गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग सर जी। यस तुम सबसे पहले एक्टिव मिलते हो भाई। सर, आई एम ऑलवेज एक्टिव। एक्टिव रहना चाहिए भाई। श्रेया बहुत दिन बाद आना हुआ। सब ठीक ठाक? सर एक्टिव तो मैंने रहना ही है। 1 किलोमीटर सुबह की रनिंग है, और इसके उसके बाद बाद दस फिर घंटा सोना। 10 घंटा कौन सा था, 10:30 बजे सोना। तो सर देखो, जो टॉपिक चल रहा है स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, अकॉर्डिंग टू दैट मैं भी चल ही रहा हूँ। सर देखो, 1 किलोमीटर की रनिंग वो डिस्टेंस में आ जाती है भाई। और रहा हूं टाइम कि तो अब लगता है। आप मुझे एक बात बताओ, आज किसी को कुछ चॉकलेट मिली? सच बताना, कोई झूठ नहीं बोलेगा। काय बात की चॉकलेट, मम्मी तो कहती लेट हो गए, उठ जा जल्दी। मेरे को तो चॉकलेट नहीं मिली। बताओ बच्चों, नो यूजर्स आर टाइपिंग। किसी को भी चॉकलेट नहीं ऑल मिल रही। फीलिंग प्राउड ऑफ सोचो 21 अदर्स। तुम कितने बुरे हो। सोचो एक बार इस बात पर। मतलब बेहतर तो मैं ही हूँ, कम से कम 100 तो लेता हूँ। तुम्हें एक चॉकलेट नहीं मिली। सोची सोची तुम सब। अच्छा तैयारी करो एसएससी और बैंक की। तुम सब कुछ हो भी ना पाएगा। नहीं सर, रनिंग होती है मैप पे आते हैं, मतलब सर रनिंग की कोई वैल्यू नहीं है, एक्टिव रहना है ना। मैंने बिल्कुल। और फिर चमन परास भी है अपना, डावर चमन परास। करो अब इस क्वेश्चन को। सर ये ट्रेन वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं लग रहा। श्रेया को चॉकलेट मिली भाई। श्रेया आपको कुछ चॉकलेट मिली? श्रेया की बहुत टेंशन हो गई। एक सर एक भी नहीं मिली। भी नहीं मिली। वेरी गुड। सर इंद्र ने इतने एक्साइटेड हो, उसको क्या मिला? अपनी बताओ पहले। इंद्रनील को टाइम नहीं मिलता, चॉकलेट कहां से मिलेगी। इनको पीपीटी मिले, पीडीएफ मिले, हमें जरूर। सर वो स्टॉक में रहती है। अगर पीडीए होना चाहिए। घर से आप निकले नहीं। अगर आप घर से निकलते तो चॉकलेट्स की लाइन लग जाती है ना। ये बात तो है सर, इंद्रनील के मामले में ये मानता हूं मैं। इसलिए इंद्रनील के घर वालों ने इंद्रनील को अंदर ही कैद कर लिया। नहीं, सर सब आपके जैसे कोई नहीं है सर, लाइन लग जाएगा। बेटा मुझे भी कुछ नहीं मिला। सुबह मिलेगा भी नहीं सर। तो सामने जो तुम्हारे साथ बैठा रहूंगा बच्चों, तो मुझे क्या मिलेगा बताओ। नहीं सर, सुबह से शाम वाली बात नहीं, वो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में मिलता, बाद में तो फिर देना ही पड़ता। नहीं, स्टार्टिंग में भी कुछ नहीं मिलता। देखो क्वेश्चन नंबर 18 को रीड करो। और अब आप एक बात बताओ, अगर हमारे पास डायरेक्शन सेम है तो रिलेटेड स्पीड कितनी होगी? जल्दी से बताओ, पॉजिटिव या पॉजिटिव नेगेटिव? सर। पॉजिटिव। और अगर डायरेक्शन सेम होगी तब रिलेटेड स्पीड? नेगेटिव। अगर डायरेक्शन सेम है तब रिलेटेड स्पीड पॉजिटिव, अगर डायरेक्शन अपोजिट है तब रिलेटेड स्पीड पॉजिटिव। क्या बोल दिया बच्चों? अगर डायरेक्शन सेम है तो रिलेटेड स्पीड नेगेटिव, और अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो रिलेटेड स्पीड पॉजिटिव। तो इस अरे सर क्वेश्चन को चॉकलेट देखो। डे है, चॉकलेट डे है ना, चॉकलेट का नशा है सर, नशा चढ़ गया आपको। सर इस बात का एक भी नहीं मिली बच्चों। अभी मुझे रात तक इंतजार रहेगा, कुछ तो मिलेगा ही। नहीं तो मैं सर खुद से मिल ही जाएगा, खरीद के डोंट खा, वरी। नहीं खुद नहीं से ही सर मिल खरीद के जाएगा खा आपकी, सर मुझे विश्वास है आपको मिल जाएगा। एक तो वॉइस मेलोडी, और एक तो इतने अच्छे दिखते हो आप सर, क्यों नहीं खुद मिलेगा से ही मैं खुद से ही खरीद के खा लूंगा। खुद से। 19 किलोमीटर पर आ भाई, इसको सॉल्व करो फटाफट से। ये चैप्टर बहुत बड़ा है। देखो हमारे पास दो प्लेस है पी और क्यू, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 162 किलोमीटर। टू ट्रेन से अगर वो दोनों एक दूसरे की तरफ से मूव करेंगे, अगर ये दोनों ट्रेन एक दूसरे की साइड मूव करेंगी तो 6 आवर्स में कितने डिस्टेंस को कवर करेंगी? 162। तो यहां से P+Q की वैल्यू कितनी होगी?
पी प्लस क्यू की वैल्यू है 27 और उसके बाद हमें स्टेटमेंट गिवन है एक ट्रेन की स्पीड सेकंड वाले से 8 किलोमीटर ज्यादा है, मीन्स पी माइनस क्यू की वैल्यू है 8। पी प्लस क्यू की वैल्यू है 27, पी माइनस क्यू की वैल्यू है 8। बताओ बच्चों यहां से पी की स्पीड कितनी होगी और क्यू की स्पीड कितनी होगी, दोनों की बताओ आप। भाई अगर हमें ट्रेन पी की स्पीड फाइंड आउट करनी है तो दोनों को ऐड करके हाफ कर दो, इसका मतलब ट्रेन पी की स्पीड कितनी होगी 35/2 किलोमीटर/आवर और ट्रेन क्यू की स्पीड कितनी होगी, दोनों का डिफरेंस करके हाफ कर दो, ट्रेन क्यू की स्पीड कितनी होगी 9/2 किलोमीटर/आवर। बताओ बच्चों बात समझ आई, कुछ नहीं करना बस आपको डायरेक्शन ही देखनी है सेम होगी अपोजिट। अब देखो आप इस क्वेश्चन को रीड करो फटाफट से। देखो अगर हमारे पास कोई भी दो ट्रेन है उन्होंने मूव करना स्टार्ट करा तो आप ऑलवेज क्या करोगे उन दोनों के टाइम को सेम, आपको कुछ नहीं करना, ये जो दोनों ट्रेन है इन दोनों के टाइम को सेम कर लो और फिर ये चेक करो डायरेक्शन सेम है या अपोजिट, इसको रीड करो। देखो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमारे पास टू स्टेशन है जिनके ए और बी, इनके बीच के डिस्टेंस है 450 किलोमीटर। एक ट्रेन है उस ट्रेन ने ए से बी की तरफ मूव करना स्टार्ट करा 4 बजे और उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर/आवर और एक और ट्रेन है बी, उस ट्रेन ने स्टेशन बी से मूव करना स्टार्ट करा 3:20 पर 80 किलोमीटर/आवर की स्पीड से, तो आपको फाइंड आउट करना है ये दोनों ट्रेन आपस में कितने बजे मिलेंगी। बताओ कैसे सॉल्व करोगे सर, 320 वाला 4 बजे कितना पावर करेगा, उसके बाद बीच का डिस्टेंस क्या होगा, फिर तो आसान हो जाएगा सर। डायरेक्शन डायरेक्शन अपोजिट है, रिलेटिव स्पीड पॉजिटिव हो जाएगी, उसके बाद डिवाइड कर देंगे। बिल्कुल वेरी गुड, बताओ बच्चों समझ आई बात, इंद्रनील ने क्या बोला। देखो इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है, ये जो दोनों ट्रेन है इनके टाइम को सेम कर लो। भाई हमारे पास एक ट्रेन चली है 4 बजे और एक ट्रेन 3:20 पर, तो ये जो 3:20 पर चली है इसकी स्पीड है 80 किलोमीटर/आवर, तो आप ये बताओ 40 मिनट्स में इसने कुछ डिस्टेंस कवर करी होगी, बात समझ लो सोल्व मत करना, 40 मिनट में इसने कुछ डिस्टेंस कवर कर ली होगी। सपोज 40 मिनट में इसने 50 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर ली, चलो 60 मान लो, सपोज ये जो ट्रेन है इसने 40 मिनट में 60 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर ली, उसके बाद ये ट्रेन भी आ गई हमारे पास 4 बजे, इसकी स्पीड है 80। अब आप ये बताओ दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 450 - 60 390। अब देखो दोनों के बीच की डिस्टेंस हो गई 390 और डायरेक्शन है अपोजिट, तो रिलेटेड स्पीड प्लस हो जाएगी, 140 से डिवाइड करो आंसर आ जाएगा। बताओ बच्चों बात समझ आई, अब देखो हमारे पास इस क्वेश्चन को करने के ना दो मेथड है। आपको दोनों ट्रेन के टाइम को सेम करना है, अगर ये ट्रेन 3:20 पे चली है तो 4 बजे तक इसने कितनी डिस्टेंस कवर करी होगी,
वो डिस्टेंस फाइंड आउट करो, उस डिस्टेंस को 450 में से सब्ट्रैक्ट करो, हमारे पास इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आ जाएगी, उसके बाद रिलेटेड स्पीड होगी पॉजिटिव, उस डिस्टेंस को रिलेटेड स्पीड से डिवाइड करो, आंसर आ जाएगा। अब देखो हमें करना क्या है, अगर आप थोड़े से माइंड का यूज करो तो हमारे पास भाई, अगर हम इस ये जो ट्रेन है 3:20 पे चली है, अगर हम इस ट्रेन को 4 बजे तक चला सकते हैं, तो ये जो हमारे पास 4 बजे वाली ट्रेन है, हम इसको भी तो वापस 3:20 पे लेकर जा सकते हैं। बताओ बच्चों, बात समझ आई? भाई अगर 3:20 वाली ट्रेन को हम 4 बजे तक चला सकते हैं, टाइम ही तो सेम करना है बस, वहां से थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा, यहां से कैलकुलेशन एकदम इजी हो जाएगी। देखो ये जो हमारे पास ए वाली ट्रेन है, ये 60 मिनट में 60 किलोमीटर जाएगी, तो 40 मिनट में कितनी किलोमीटर जाएगी? 60 मिनट में 60 किलोमीटर, तो 40 मिनट में 40 किलोमीटर। तो अगर आप इस 4 बजे वाली ट्रेन को वापस 3:20 पर लेकर जाओगे तो 40 किलोमीटर और एक्स्ट्रा हो जाएगा। अब देखो दोनों ट्रेन का टाइम सेम हो गया, दोनों ट्रेन का टाइम सेम है, और टोटल डिस्टेंस कितनी होगी हमारे पास? 490। टोटल डिस्टेंस है 490 और रिलेटेड स्पीड कितनी होगी? 60 और 80 140, कितना होगा? 7/2 मतलब 3 hours 30 minutes। तो देखो 3:20 पर इन दोनों ट्रेन ने मूव करना स्टार्ट करा, और उसके 3:30 के बाद ये दोनों ट्रेन मिली, इसका मतलब ये दोनों ट्रेन आपस में 6:50 पर मिलेंगी। बताओ बात समझ आई? ये जो हमारे पास 4 बजे वाली ट्रेन है, इसको वापस हम 3:20 पर ले गए तो हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। 140 रोहन हमारे पास रिलेटेड स्पीड, दोनों ट्रेन की डायरेक्शन है अपोजिट, अगर डायरेक्शन अपोजिट तो रिलेटेड स्पीड होगी S1+S2। सर हाँ जी बोलो। सर ये 60 मिनट में 60 किलोमीटर कैसे आया? ये तो हमें गिवन है ना, 60 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में 60 किलोमीटर, मतलब 60 मिनट में 60 किलोमीटर। बताओ बच्चों, क्वेश्चन समझ आया? जब भी आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन हो, आपको कुछ नहीं करना, जो दोनों ट्रेन है ना उनके टाइम को सेम कर लो, टाइम को सेम कर लो, उसके बाद रिलेटेड स्पीड चेक करो और डिस्टेंस को रिलेटेड स्पीड से डिवाइड करो, आंसर आ जाए। करो इस क्वेश्चन को रीड, और इस क्वेश्चन के लिए आप एक बात समझ लो, स्पीड के रेशियो का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टाइम का रेशियो। स्पीड के रेशियो का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टाइम का रेशियो। अगर स्पीड का रेशियो है हमारे पास 3:4, तो टाइम का रेशियो कितना होगा? भाई स्पीड के रेशियो का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टाइम का रेशियो। अगर स्पीड का रेशियो है 3:4, तो टाइम का रेशियो कितना होगा? 4:3। बिल्कुल, डिस्टेंस अगर मैंने, ये तो होगा ही आपके पास स्पीड के रेशियो का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बच्चों आप ये बताओ, आज स्पीड कुछ ज्यादा तो नहीं है, क्योंकि हमने इतनी जल्दी क्वेश्चंस कैसे कर दिए आज? बोलो बच्चों, दिल के दर्द बाहर निकालो। अरे बच्चों कुछ भी दिखाया,
कभी कभी मेरे भी दिल के दर्द बाहर आ सकते हैं, सुबह से चाय पी पी कर पढ़ा रहा हूँ बस आपको, समझ लो। मंगलवार का फास्ट है क्या सर आपका? नहीं टाइम ही नहीं मिलता। ये बात भी है, 100 बीजी शेड्यूल क्या करें। देखो हमारे पास स्पीड का रेशियो है 3:4, तो टाइम का रेशियो कितना होगा 4:3। अब देखो हमारे पास ए को कितने मिनट्स लगती हैं, ए को 20 से 30 मिनट ज्यादा लगेंगे, तो मतलब हमें 1 की वैल्यू गिवन है 30, 1 की वैल्यू है 30, तो 4 की वैल्यू कितना होगी 120 मिनट्स। ये तो चीप सा क्वेश्चन था बच्चों, बिल्कुल इंद्रनील अब तो फिक्स हो गया, अब तो दर्द सब खत्म हो गया, तो डेट भी फिक्स हो गई। सर क्या करा आपने दोबारा बताएंगे? देखो ए और बी के स्पीड का रेशियो है हमारे पास 3:4, स्पीड के रेशियो का रिवर्स होगा टाइम का रेशियो। उसके बाद देखो हमें क्या गिवन है, ए टेक्स 30 मिनट मोर देन बी, ए को बी से 30 मिनट ज्यादा लगे, तो हमारे अकॉर्डिंग कितना टाइम लगा, 1 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 30, 1 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 30, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी 120, और 3 की वैल्यू कितनी होगी, 3 की वैल्यू 90। A को कितना टाइम लगेगा 120 मिनट्स, B को कितना टाइम लगेगा 90 मिनट्स। बताओ बच्चों बात समझ आई? देखो इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन इतना इजी तो आएगा नहीं भाई, ऐसा क्वेश्चन थोड़ी ना आता है, तो भी जैसे ही आपके पास है। सबसे पहले ये बताओ क्वेश्चन समझ आया? बच्चों मैं आपके बैच को पढ़ाने के लिए एक्टिव रहता हूँ, वरना इस टाइम तक अगर आपकी जगह कोई और बैच होता है ना, जब मैं आपके दूसरे वाले बैच में पढ़ाता हूँ उसमें देखा करो आप, उसमें नहीं रहते सर, हर किसी बैच में इतना थकने के बाद इतना एक्टिव थोड़ी ना रह सकते हैं। ये स्पेशल बैच है। देखो करो इसको रीड, अब बताओ इसका आंसर कितना होगा, स्पीड के रेशियो का रिवर्स होगा टाइम का रेशियो। आपका झूठ बोलने का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है सर। नहीं बताना इंद्र ने क्या झूठ बोला बोलो। अभी जो बोले आप नहीं, आप भाई का चौक ठीक है भाई, सर सही बोल रहे हैं। करो इसको रीड, बताओ आंसर कितना होगा। देखो एक पर्सन अपनी ओरिजिनल स्पीड के 7/11 से अगर रनिंग करेगा तो किसी प्लेस पर 22 आवर्स में पहुंचेगा, तो हमें फाइंड आउट करना है उसने कितने टाइम को सेव करा। देखो इजी सा तो क्वेश्चन है, बताओ ना बच्चों। देखो अगर कोई पर्सन अपनी ओरिजिनल स्पीड के 7/11 से मूव करेगा, मींस अगर हमारे पास ओरिजिनल स्पीड है 11, तो न्यू स्पीड कितनी होगी 7, अगर ओरिजिनल स्पीड है 11 तो न्यू स्पीड कितनी होगी 7, स्पीड के रेशियो का रिवर्स होगा हमारे पास टाइम का रेशियो। अगर हमारे पास ओरिजिनल टाइम है 7 तो न्यू टाइम कितना होगा 11, अगर कोई पर्सन अपनी ओरिजिनल स्पीड के 7/11 से मूव करे, मींस अगर ओरिजिनल स्पीड है 11 तो न्यू स्पीड कितनी होगी 7,
इसका रिवर्स करोगे, अगर ओरिजिनल टाइम है 7 तो न्यू टाइम कितना होगा 11। बताओ बच्चों बात समझ आई? अब देखो इस क्वेश्चन में आपको गिवन है, अगर ये पर्सन अपनी ओरिजिनल स्पीड के 7/11 से मूव करे तो इसको पहुंचने में कितना टाइम लगेगा बच्चों? 22 आवर्स। मीन्स 11 की वैल्यू गिवन है 22, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 11 की वैल्यू गिवन है 22, तो 1 की वैल्यू होगी 2। तो हमें फाइंड आउट करना है ये जो मैन है इसने कितना टाइम सेव करा। भाई अगर ये अपनी ओरिजिनल स्पीड 7 से जाता तो इसको कितना टाइम लगता बच्चों? 1 की वैल्यू है 2, तो 7 की वैल्यू कितनी होगी? 14। तो इसको कितना टाइम इसने सेव करा बताओ? 8 आवर्स। भाई अगर ओरिजिनल स्पीड से जाता तो कितना टाइम लगता? 14 आवर्स। अगर न्यू स्पीड से जाएगा तो कितना टाइम लगेगा? 22 आवर्स। तो अगर ये अपनी ओरिजिनल स्पीड से जाए तो कितने आवर्स सेव करेगा? 8 आवर्स। बताओ बच्चों बात समझ आई? अब देखो इस कॉन्सेप्ट पे ना अच्छा सा क्वेश्चन, अब इसको करो रीड, इसको बताना कैसे सॉल्व करोगे। देखो एक ट्रेन है उसको दिल्ली से आगरा जाना है और उस ट्रेन ने सुबह 8 AM पर मूव करना स्टार्ट करा और मूव करने के 6 आवर्स बाद उस ट्रेन में ना कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो गया। उस टेक्निकल फॉल्ट की वजह से ट्रेन को अपनी ओरिजिनल स्पीड के 2/3 से मूव करना पड़ा। टेक्निकल फॉल्ट बाय रो मोमेंट। देखो अपनी ओरिजिनल स्पीड के 2/3 से मूव करना पड़ा और वो 40 मिनट लेट हो गई ट्रेन। वो जो ट्रेन में फॉल्ट हुआ था, अगर वो फॉल्ट 200 किलोमीटर आगे होता तब वो ट्रेन 30 मिनट लेट होती। तो हमें दिल्ली और आगरा के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है कितनी होगी। बताओ कैसे सॉल्व करोगे? इंद्रनील कोई मौका भी रह ना जाए। इनिशियल स्पीड को अगर हमने 3 अज्यूम कर लिया तो ब्रेकडाउन के बाद स्पीड होगा 2 और 3 - 2 मतलब जो, और हाँ वो जो डिफरेंस है ना 40 मिनट और 30 मिनट का वो होता है 10। तो इस तरह से इक्वल करके अगर हमने स्पीड निकाल लिया तो इस तरह से तो हो जाएगा। ओके सर, देखो ये वही तो क्वेश्चन है जो हमने अभी करा था। अगर ओरिजिनल स्पीड के 2/3 से मूव करे तो 40 मिनट ले, ओरिजिनल स्पीड के 2/3 से मूव करेगी तो 40 मिनट ले। स्पीड के रेशियो का रिवर्स होगा टाइम का रेशियो। एक बार इसको जैसा आपको सही लगे वैसे ट्राई करो। बिल्कुल 4400 बच्चों, ये भी इजी सा क्वेश्चन है, बस देखने में आपको ऐसा लग रहा है कि कितना बड़ा है लेकिन है ये क्वेश्चन एकदम छोटू सा। इस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत इजी होंगे, बस थोड़े से समझने में डिफिकल्ट होंगे। देखो सबसे पहले तो आप ये देखो, हमें लास्ट में फाइंड आउट करना है, हमें लास्ट में फाइंड आउट करनी है डिस्टेंस। और हमारे पास बच्चों डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करोगे आप? डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। भाई डिस्टेंस को आप कैसे फाइंड आउट करोगे?
डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। अब देखो क्वेश्चन में हमें जो भी गिवन है बस उसको नोट करो। देखो हमारे पास ये जो ट्रेन है इसने मूव करना स्टार्ट करा 8 AM पर और आफ्टर 6 आवर्स इसमें कुछ टेक्निकल इशू हो गया। तो सपोज ये ट्रेन 6 आवर्स में यहां तक आई होगी, सपोज सपोज ये ट्रेन 6 आवर्स में यहां तक आई होगी, इसके बाद इस ट्रेन ने अपनी ओरिजिनल स्पीड के 2/3 से मूव करना स्टार्ट करा। ये जो ट्रेन है इस ट्रेन ने अपनी ओरिजिनल स्पीड के 2/3 से मूव करना स्टार्ट करा और ये 40 मिनट लेट हो गई। मींस स्पीड के रेशियो का रिवर्स होगा टाइम का रेशियो। तो ये कितनी मिनट्स लेट हुई? 40। मींस 1 की वैल्यू है हमारे पास 40, 1 की वैल्यू है 40, तो बच्चों 2 की वैल्यू कितनी होगी? 80 मिनट। मतलब ये जो ट्रेन है इस ट्रेन को यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? ओरिजिनल टाइम अगर आप चेक करते तो 80 मिनट्स। तो इस ट्रेन का हमारे पास टोटल टाइम आ गया भाई 80 मिनट्स, तो हमें इस डिस्टेंस को कवर करने में लगे और 6 आवर्स पहले लगे थे। तो इसका मतलब ये जो ट्रेन है इस ट्रेन को दिल्ली से आगरा पहुंचने में कितना टाइम लगता अगर ये अपनी ओरिजिनल स्पीड से मूव करती रहती तो? 6 आवर्स + 1 आवर 20 मिनट, 7 आवर्स 20 मिनट। बताओ बच्चों बात समझ आई? अगर कहीं पर भी टेक्निकल फॉल्ट ना होता, देखो अभी आपको एक बात बताई थी स्पीड का रेशियो है 2/3, ओरिजिनल स्पीड, ओरिजिनल न्यू स्पीड, ओरिजिनल स्पीड न्यू स्पीड, स्पीड के रेशियो का रिवर्स होगा टाइम का रेशियो। तो टाइम का रेशियो कितना होगा? 3/2, मींस ओरिजिनल टाइम और न्यू टाइम। तो इस ट्रेन को टोटल कितना टाइम लगा? कितनी लेट हुई है? 40 मिनट। 1 की वैल्यू है 40, तो इस ट्रेन को ओरिजिनल टाइम कितना लगता? 80 मिनट्स। वन की वैल्यू है 40, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी? 80। मतलब इस ट्रेन को कितना टाइम लगता? 80 मिनट्स। 6 आवर्स तो इसको स्टार्टिंग में लगे, 80 मिनट्स उसके बाद लगे, क्योंकि हमारे पास देखो ओरिजिनल टाइम और न्यू टाइम में कितना डिफरेंस है भाई। अगर आप 2/3 से कंपेयर करोगे तो ये जो ट्रेन है ये 1 मिनट लेट हुई। 1 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है? 40। तो इसका मतलब इस ट्रेन को कितना टाइम लगा बच्चों? 80 मिनट्स। तो अब हमारे पास ये जो ट्रेन है इस ट्रेन का ओरिजिनल टाइम आ गया। अगर ये ट्रेन दिल्ली से मूव करना स्टार्ट करती और इसमें कुछ भी फॉल्ट ना होता तो ये ट्रेन 7 घंटे 20 मिनट में आगरा पहुंच जाती। बताओ बच्चों यहां तक की बात समझ आई? अब इसके बाद देखो, इसके बाद हमें क्या गिवन है? ये जो ट्रेन में फॉल्ट हुआ है, अगर ये फॉल्ट 200 किलोमीटर आगे होता, सपोज ये जो फॉल्ट है ना ये यहां होता स्टार्टिंग वाले फॉल्ट से 200 किलोमीटर आगे, अगर ये फॉल्ट 200 किलोमीटर आगे होता तब ये ट्रेन 30 मिनट लेट होती। देखो ये जो ट्रेन है
ये ट्रेन यहां से यहां तक कितने मिनट लेट हुई? 40 मिनट। और यहां से यहां तक कितना लेट हुई? 30 मिनट। तो अब आप मुझे ये बताओ, ये जो 200 किलोमीटर की डिस्टेंस है, इसमें ट्रेन को कितना टाइम लगा होगा? टेन। अब देखो वन की वैल्यू है हमारे पास 10, भाई हमें तो ओरिजिनल टाइम चाहिए ना, वन की वैल्यू है 10, तो टू की वैल्यू मीन्स ओरिजिनल टाइम कितना होगा? 20 मिनट। वहां से वहां तक टाइम लगा 40 मिनट्स और यहां से यहां तक टाइम लगा 30 मिनट्स, तो इस 200 किलोमीटर की डिस्टेंस में कितना टाइम लगा होगा? 80 मिनट। 10 मिनट्स, वन की वैल्यू है 10, तो टू की वैल्यू कितनी होगी? 20। बताओ बच्चों, बात समझ आई? अब देखो हमारे पास डिस्टेंस है 200 किलोमीटर, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। डिस्टेंस है हमारे पास 200 किलोमीटर, स्पीड हमें फाइंड आउट करनी है, टाइम है हमारे पास 20 मिनट्स। 20 मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करो कितना होगा? 20/60, 1/3। तो यहां से स्पीड कितनी होगी हमारे पास? 600 किलोमीटर पर आवर। बताओ बच्चों, ट्रेन की स्पीड समझ आई? कैसे फाइंड आउट करी? बोलो भाई, हमारे पास ये जो डिस्टेंस है 200 किलोमीटर वाली डिस्टेंस है 200 किलोमीटर, तो हमने इसी डिस्टेंस का टाइम फाइंड आउट कर लिया, फिर डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, वहां से स्पीड आ जाएगी। अब देखो हमें दिल्ली और आगरा के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, क्या होगी? डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है, स्पीड है हमारे पास 600 किलोमीटर और टाइम है हमारे पास 7 hours 20 minutes। 20 मिनट को भी आवर्स में कन्वर्ट कर लो तो ये कितना होगा? 4400 किलोमीटर। दिल्ली और आगरा के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? 4400 किलोमीटर। बताओ बच्चों, बात समझ आई? देखो देखने में ये क्वेश्चन ऐसा है, लेकिन वैसे बहुत इजी सा क्वेश्चन है। सेवन आवर्स कंप्लीट हो गए 20 को 60 से डिवाइड कर दो 1/3 7 कंप्लीट 1/3 आवर्स। उसको सॉल्व करोगे तो कितना होगा? 22/3। देखो ये जो ट्रेन है, इस ट्रेन को x से y तक कितना टाइम लगा? 40 मिनट्स। भाई ये जो ट्रेन है, इस ट्रेन को x से y तक कितना टाइम लगा? 40 मिनट्स। और z से a तक कितना टाइम लगा? 30 मिनट। तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस में कितना टाइम लगा होगा? 10। तो हमारे पास यहां से ओरिजिनल टाइम और न्यू टाइम का डिफरेंस कितना है? 1। तो यहां से 1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 10। 1 की वैल्यू है 10, तो ओरिजिनल टाइम मीन्स 2 की वैल्यू कितना होगी? 20 मिनट। भाई सब बच्चों को ये क्वेश्चन समझ आया?
बोलो बच्चों। अगर समझ आया तो फिर आप इस क्वेश्चन का आंसर बताओ कितना होगा। अब इसको तुम ट्राई करो। अब देखते हैं किसको कितना समझ आया। देखो इस क्वेश्चन में मैं आपकी इतनी हेल्प कर सकता हूं भाई, ये जो पर्सन है ये 1 आवर 36 मिनट लेट हुआ है, तो ये जो 1 आवर लेट हुआ है, 1 आवर तो ये एक्सीडेंट होने के बाद बैठा रहा, इस वजह से लेट हुआ है। हमें उस बात की कोई भी जरूरत नहीं है, चाहे ये एक्सीडेंट होने के बाद 4 घंटे बैठता, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये स्पीड से कितना लेट हुआ, 36 मिनट। तो आप पूरा 1 घंटा 36 मिनट नहीं लोगे, आप ओनली 36 मिनट्स लोगे, क्योंकि 1 आवर तो वो इसलिए लेट हुआ है क्योंकि वो एक्सीडेंट के बाद 1 आवर तक उसने पूरा ड्रामा बचाया होगा वहां बैठ के। यहां भी कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो गया इंटरनल। वेरी गुड श्रेया। वेरी गुड चंद्रिका। भाई लाइव क्लास में आपको क्या मजा आ रहा है बताओ। रिकॉर्डेड क्लास में आपका डॉट एक पर्पस सुनाई देता है, सिर्फ ताने सुनाई देता है रिकॉर्डेड क्लास में। लाइव क्लास में हम भी तो इंटरेक्ट कर सकते हैं। बच्चों एक बात बताओ, आईबीपीएस का रिजल्ट आया था अभी? यस सर। कौन कौन फेल हुआ? सीरियस नोटेशन के बाद सीधा गड्ढे में। आप SBI में फेल हुए, ये बहुत खुशी की बात है, आप SBI में हुए। IBPS का भी तो बताओ। बच्चों आप बस प्रिपरेशन इसलिए कर रहे हो जिससे आपको मैथ स्ट्रॉन्ग करनी है या फिर कभी कोई एग्जाम भी दोगे आप। कोई भी फेल नहीं हुआ IBPS में, ऐसा कैसे हो सकता है, झूठ बोल रहे हो। मैंने तो लिखा इधर, मैं हूँ। आप हुए तो कैसा लग रहा है इधर में? अच्छा लग रहा है, ठीक लग रहा है। स्मिता भी फेल हुई है। बच्चों कभी ऐसा मत करना कि आप ये बताओ सर आज मैं पास हो गया या फिर पास हो गई, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कभी भी। आपको हमेशा फेल होना है बस, और 600-600 रुपए फीस देनी है बस। एक और ताना होगी आपके लिए। भाई आप फेल कैसे हो जाते हो कभी ये नहीं समझ आया। इतना फेल तो कोई भी नहीं होता कभी।
देखो ये जो ट्रेन है, ये जो मैन है, ये एच है इसका होम, ओ है इसका ऑफिस। ये अपने होम से निकला और आफ्टर 1 आवर इसका एक्सीडेंट हो गया। आफ्टर 1 आवर इसका एक्सीडेंट हो गया और इसने उसके 1 आवर 56 मिनट्स के बाद अपनी जर्नी स्टार्ट करी। 1 आवर के बाद अपनी जर्नी स्टार्ट करी और अगर ये अपनी ओरिजिनल स्पीड के 5/6 से मूव करे तो ये 1 आवर 36 मिनट्स लेट होगा। तो अब देखो ये जो 1 आवर है, 1 आवर तो वो इसलिए लेट हुआ है क्योंकि उसने अपनी जर्नी स्टार्ट करी है आफ्टर 1 आवर। 1 घंटे तक तो एक्सीडेंट होने के बाद वो वहां बैठा रहा। तो वो अगर आप उसकी स्पीड से देखोगे भाई, स्पीड की वजह से तो ये पर्सन 36 मिनट ही लेट है भाई। टोटल लेट है ये 1 आवर 36 मिनट। 1 आवर तो ये इसलिए लेट हुआ है क्योंकि एक्सीडेंट के बाद 1 आवर तक ये वहां बैठा रहा। तो स्पीड की वजह से कितना लेट हुआ है ये 36 मिनट्स। अब देखो अगर ये अपनी ओरिजिनल स्पीड के 5/6 से मूव करे तो 1 आवर 36 मिनट्स लेट होगा। स्पीड के रेशियो का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टाइम का रेशियो भाई। 1 आवर तो ये इसलिए लेट हुआ क्योंकि एक्सीडेंट के बाद बैठा रहा। नहीं प्लूटस वाले बच्चे तो बहुत आगे जाते हैं बच्चों, आप टेंशन मत लो। इसका मतलब यहां से यहां तक ये स्पीड की वजह से कितना लेट हुआ 36 मिनट्स। तो बच्चों हमारे पास 1 की वैल्यू है 36, 1 की वैल्यू है 36, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी? मिनट 180 मिनट कितना होगा 3 आवर्स। इसका मतलब अगर ये ट्रेन, अब ये जो मैन है ये अपने घर से जाता और डायरेक्ट ऑफिस पहुंचता तो इसका कितना टाइम लगता? 4 आवर्स। बात समझ आई बच्चों? बोलो बच्चों। अब देखो फिर से वही बात, अगर ये एक्सीडेंट 50 किलोमीटर आगे होता, लेकिन एक्सीडेंट होता जरूर, कराना जरूर एक्सीडेंट। बिल्कुल, गाड़ी का टेक्निकल फॉल्ट है। ताने तो आज मुझे आपके कम भी नहीं लग रहे इंटरनल, आप भी बराबर टक्कर में हो ताने देने पे। कोई बात नहीं, आपका फिर से कोई रिजल्ट आने वाला होगा, फिर से बात करेंगे हम। देखो ये जो बहन है यहां से यहां तक कितना लेट हुआ 36 मिनट। अगर ये एक्सीडेंट 50 किलोमीटर आगे होता, तब ये मैन कितने मिनट लेट होता? 20 मिनट्स। देखो पी से क्यू तक टाइम लगा 36 मिनट, एक्स से वाई तक टाइम लगा 20 मिनट्स। तो आप ये बताओ पी और एक्स के बीच का टाइम कितना लगा होगा भाई? 50 किलोमीटर के डिस्टेंस में कितना टाइम लगा होगा? 16 मिनट्स, नहीं सॉरी, हाँ 16 मिनट। 1 की वैल्यू है 16, तो ओरिजिनल टाइम मींस 5 की वैल्यू कितनी होगी? 80। 80 मिनट्स। बताओ बच्चों बात समझ आई?
देखो एक बार फिर से देखो। भाई पी से लेकर क्यू तक कितना टाइम लगा? 36 मिनट। और एक्स से वाई तक कितना टाइम लगा? 20 मिनट। तो आप ये बताओ इस डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगा होगा? 16 मिनट 16 मिनट। इसका मतलब यहाँ 1 की वैल्यू है हमारे पास 16, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी? 80 80 मिनट। इसका मतलब इस 50 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगा होगा? 80 मिनट। डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड है हमारे पास, स्पीड तो फाइंड आउट करनी है, टाइम है 80 मिनट। मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करो कितना होगा? 80/60। ये कितना होगा? 4/3। यहां से फाइंड आउट करो 75 5/2। भाई स्पीड है हमारे पास 75/2। फिर से पुट करो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है, स्पीड है हमारे पास 75/2, टाइम है हमारे पास 4 आवर्स, तो डिस्टेंस कितनी होगी? वन 150 किलोमीटर। बताओ बच्चों बात समझ आई? अब सर बोलो। सर मेरे को समझ तो आ गया, लेकिन सर सिर्फ ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पॉइंट स्पीड और टाइम की रेशियो में आ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में जैसे दिया है कि उसकी स्पीड 5/6 हो जाएगी, तो उसकी न्यू स्पीड 5 है, ओल्ड स्पीड 6 है। ओरिजिनल स्पीड अगर उसकी 6 है तो न्यू स्पीड कितनी होगी? 5। देखो अगर हमने एज्यूम करा ओरिजिनल स्पीड है 6 हमें तो जो न्यू भी क्वेश्चन स्पीड, रेशियो दी हुई है उसका न्यूमरेटर न्यू स्पीड है और डिनोमिनेटर ओल्ड स्पीड है। बिल्कुल डिनोमिनेटर ओरिजिनल स्पीड, हाँ ओरिजिनल स्पीड और वो न्यूमरेटर न्यू स्पीड। न्यू स्पीड, क्योंकि अगर हमने ओरिजिनल स्पीड को 6 एज्यूम कर लिया तो न्यू स्पीड कितनी है? ओरिजिनल स्पीड की 5/6, तो यही आ जाएगा हमारे पास। बताओ बच्चों बात समझ आई आज की क्लास में जो भी हमने करा? हाँ सर इतना तो आ गया, इतना ही रहने देना सर आज। अब टाइम भी नहीं है, अब इससे ज्यादा चल दिमाग में नहीं आने वाला। देखो ये चैप्टर थोड़ा ऐसा ही है, धीरे धीरे आप इसको समझ सकते हो। बस क्वेश्चन समझना थोड़ा सा आपको इस चैप्टर में डिफिकल्ट होगा, सॉल्यूशन तो एकदम इजी होगा। खेल खिलाता दीपक। जी सर मैं ऐसा ही हूँ, कौन अब इतना अपनी नींद बर्बाद करे, इन फलाने धमाके टिक्का नहीं टिक्करों में अपनी रनिंग बेस्ट है। बताओ बच्चों और कोई बात? नो सर बस इतना पता है डीआई करनी है और बाकी जो 5 चीजें बताई थी उतना ही रोज करते रहो, गाड़ी निकल जाएगी, कुछ नहीं रखा इन सब में। अगर उतना भी डेली करोगे तो पास हो जाओगे, अगर करते ही सर रहोगे। उसी मैं सर आपके बताए नक्शे कदम पे चल रहा हूँ, बाकी और कुछ नहीं। चलते रहो बस पास हो जाओगे। तभी मैं कहता हूँ सर आशीर्वाद है आपका, और आप मानते ही नहीं। नहीं पूरा आपके साथ है, सबके साथ है। जब आप फेल होते हो तब भी आप मेरे स्टूडेंट हो, जब पास हो गए तब भी। तो कोशिश ऐसी करो कि पास हो जाओ जल्दी से। जी सर ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सर। बाय बाय बच्चों, वेलकम, टेक केयर। Thank you.